कल भी हम लोगों की नेताओं से बात हुई, नेता सदन से भी बात हुई, अन्य पार्टी के नेताओं से भी बात हुई। सब लोगों ने कहा है कि अभी हम बुंदेलखंड के विकास के लिए कोई अलग से योजना लाएंगे जिसमें बुंदेलखंड की पेयजल की मुख्य समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाएगा, और पार्लियामेंट के चुनाव के बाद इस संदर्भ में कि बुंदेलखंड राज्य अलग बने हम प्रयास करेंगे। बुंदेलखंड अलग राज्य अगर बनेगा तो मध्य प्रदेश के साथ और यहाँ के साथ लगभग 14 जिले आएंगे और उन 14 जिलों को मिलाकर के एक राज्य बनेगा। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि हम बुंदेलखंड की सिंचाई व्यवस्था के लिए अलग से एक प्रोजेक्ट ला रहे हैं जो लगभग 1400-1500 करोड़ रुपए का होगा और उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। उन्होंने कहा इसके लिए पार्लियामेंट के चुनाव के बाद हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। उमा जी ने क्या कहा इस संदर्भ में मैं नहीं बोलना चाहूँगा, बड़ी नेता है हमारी, सीनियर नेता है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि ये जो बुंदेलखंड की जो लड़ाई है, बुंदेलखंड के विकास की लड़ाई है, ये निरंतर हम लोग जारी रखेंगे। ऐसा सर, मान घोषणा पत्र में था तो क्या मान रहे कि सरकार में घोषणा पत्र में नहीं हो रहा है बुंदेलखंड? नहीं, सरकार तो अभी 1.5 साल की हुई है, लेकिन विकास को विधानसभा की सरकार में ये घोषणा पत्र था। सरकार तो 1.5 साल हुए हैं, 1.5 साल बाद वो चुनाव के बाद, तत्काल पार्लियामेंट चुनाव के बाद वो घोषणा पूरी करेंगे, इसका आश्वासन हमें मिला।